Hello everyone, I'm again back with my new video. As I've promised in my earlier videos ki cost accounting standards ko properly explain karungi. So let's talk about the first cost accounting standard, that is classification of cost. Ab dekh rahe ho yahan pe kuch writings given hai, that is like cost accounting standards ka origination kaun sa institute banaya, that we all know what are the principle. Ise padhne ki zarurat nahi hai, nahi objectives is that much important. और फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूंगी कि इंस्टीट्यूट मैट में सब चीज बहुत एग्जैजरेटेड मैनर में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है. सो यू डोंट हैव टू गो टू दैट, पहले आप वीडियो देख लो, देन ओनली इफ यू रीड द राइटिंग्स ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट देन यू विल अंडरस्टैंड इजिली. ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसके लिए. सो लेट स्टार्ट विद इट. सो पहले डेफिनेशन में जाती हूँ कॉस्ट सेंटर के. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? तो पहले बताती हूँ कॉस्ट सेंटर क्या है. कि सेंटर वर्ड सुनते व्हाट वी फर्स्ट थिंक ऑफ, सेंटर इज समथिंग अ प्लेस जहां पे सारा चीज इकट्ठे होते हैं, राइट? मतलब सारा चीज का मिड पॉइंट इज द सेंटर. सो द सेम अप्लाइज टू हियर ऑल्सो. एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्टेड, कोई भी यूनिट, दिस वर्ड वी विल एक्सप्लेन दिस वर्ड लेटर ऑन दिस यूनिट. द कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्टेड विद अ व्यू टू अक्यूमुलेटिंग, अक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा करना, ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट. ठीक है, सारे कॉस्ट को एक यूनिट के अंदर इकट्ठा करना ही कॉस्ट सेंटर है. आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा. जैसे यूनिट्स में आप प्रोडक्ट ले सकते हो. सो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जो भी कॉस्ट घूम रहा है, व्हाट आर द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज लाइक दैट इज द कॉस्ट एंड प्रोडक्ट इज द कॉस्ट सेंटर. सो दैट ऑल्सो अप्लाइज टू द सर्विस ऑल्सो. सर्विस में भी वही है सिचुएशन. फिर डिविजन्स, मतलब एक कंपनी है उसकी बहुत सारी डिविजन्स है, लाइक बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, सो यू कैन कॉल इट द डिविजन ऑफ दैट कंपनी. फिर डिपार्टमेंट्स, एक डिविजन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, परचेजेस, सेल्स, मार्केटिंग. सो डिपार्टमेंट इज अ सेंटर, ओके? एंड डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट सब है, सेक्शन. Then other examples are there. So let's move to the next definition, that is about the cost unit. Okay, so let's move forward. Okay, so definition which I was talking about is cost unit. तो एक बार पढ़ लेते हैं. यूनिट से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग बचपन में यूनिट पढ़ते थे ना, मेजरमेंट यूनिट्स होता है. जैसे हाइट का यूनिट होता है आपका फीट, सेंटीमीटर. अगर लेंथ मेजर करना है तो किलोमीटर्स में मेजर कर लेते हैं. अगर वेट मेजर करना है तो केजीज में मेजर कर लेते हैं. अगर लीटर्स लाइक लिक्विड मेजर करना है तो लीटर्स वी यूज. द सेम इज दैट कि जो इंडस्ट्री में होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट होते हैं, उसके वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स प्रिस्क्राइब्ड है. सो लेट्स सी दैट. कॉस्ट यूनिट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, बोथ अप्लाइज, ओके? एंड दिस यूनिट इज जनरली अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इंडस्ट्री. कन्वीनियंस क्या मतलब, जो आपके अगर मतलब आपके पास चार पांच ऑप्शन है तो आप अपने एज पर योर कन्वीनियंस आपके लिए जो बेटर है आप वो चूज कर लो. या फिर और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें क्या प्रैक्टिस चल रहे, कौन सा लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी आपको देखना है. एग्जाम्पल्स आप देख लो. पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के इट्स मेगावाट्स, सीमेंट के लिए इट्स मिलियन टन्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स आपका, फिर बाइक्स, इन सब के लिए वगैरह वगैरह के लिए नंबर्स, ओके? सो सब राइट नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. So, as I was telling you, it's the most important part, that is basis of classification. So, basis of classification में हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन से basis पे हम लोग cost को classify करेंगे. So, आपको सबसे पहले basis of classification में क्या आता है, आपका nature of expenses. आप जो cost sheet में जितना भी expenses या फिर जितने भी खर्चे आप cost sheet में देखने वाले हो उनका division यहाँ पे, classification यहाँ पे हुआ हुआ है. तो सबसे पहले nature of expenses. Nature of expenses में क्या समझ रहे हो हम लोग, वो हम लोग explain करते वक्त बताएंगे. फिर relation to the object, that is the traceability. Traceability मतलब आप एक product को
कैसे आप एक प्रोडक्ट को कैसे पहचानोगे, जब आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाता है तो पहचानोगे कैसे उसमें डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। दैट इज ओनली ट्रेसेबिलिटी। देन फंक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड देन बिहेवियर्स लाइक फिक्स्ड सेमी वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द टाइम पीरियड। सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन दोज बेसिस प्रॉपरली। ओके, सो now you can see here, this is the cost of nature of expenses. okay, nature of expenses I have told you beforehand. nature of expenses में हम लोग क्या क्या आता है, material, एक product को बनाने के लिए material चाहिए होता है, labor चाहिए होता है, overhead चाहिए होता है। तो जो expenses होते हैं वो तीन तरह के nature के होते हैं, एक material वाले nature, labor वाले nature, एक overhead वाले nature होते हैं। तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, you don't have to mug up this one, you don't have to go thoroughly for this. like आप अगर इसको properly पढ़ लोगे, ये सब हम लोग की बहुत ऐसा normal चीजें हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं, आप इसको properly एक बार read out कर लोगे, easy to understand. so let's move further to the next basis. so it's cost, the relation to the cost center. okay, cost, the relation to the cost center, that is direct and indirect. ठीक है, आपको पता है cost हम लोग direct indirect होते हैं, बचपन से पढ़े direct indirect, direct cost क्या हो जाते हैं कि जो cost हम लोग directly incur करते हैं, मतलब एक product को बनाने के लिए that cost has to be incurred. okay, that is directly attributable to the cost, direct cost, and indirectly attributable to the cost, that is indirect cost. okay, so direct cost ka bhi as nature I have explained, material hote hai, labor hote hai, overhead hote hai, वैसे indirect mein bhi we know that it's material, labor, overhead. material direct labor kaise, agar mere ko ek ड्रेस बनवानी है तो ड्रेस में क्या जो प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है दैट इज कपड़ा, वो मेरा डायरेक्ट हो गया मटेरियल। फिर उसके बाद लेबर जो सीविंग कर रहा है, जो सिलाई कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, दैट इज द डायरेक्ट, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड जो मैं प्रोडक्ट लेके आई, मैं जो मशीन यूज की, उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, अगर वो मशीन यूज नहीं करती तो मेरा सिलाई होता नहीं कपड़े का। ठीक है, मान लो मैं सुई यूज की तो यू कैन कॉल इट अ मशीनरी, मतलब यू कैन कॉल इट अ टूल, तो टूल का भी तो कंजम्पशन हुआ ना, तो दैट इज ऑल्सो एन ओवरहेड। तो ओवरहेड का डेप्रिसिएशन इज अ डायरेक्ट वन। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करती हूँ तो मान लो मेरे को कपड़ा को सुंदर दिखाना है, तो उसके लिए मैं अगर कुछ लेसेस वगैरह यूज की, कुछ एक्स्ट्रा ब्रोच वगैरह यूज की, तो दैट इज द इनडायरेक्ट मटीरियल। लेबर जो ब्रोच यूज कर रही हो या फिर जो लेस यूज कर रही हूँ, उसको जो स्टिच कर रहा है उस कपड़े के साथ, अटैच कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड जो ब्रोच मैं लेके आई, उस ब्रोच अगर मैं कुछ पंचिंग मशीन यूज कर रही हूँ उस ब्रोच को लगाने के लिए, पंच करने के लिए कपड़े में, दैट पंच इज डेप्रिसिएशन, दैट इज द ओवरहेड एंड दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट वन। ओके, so as explained here, so going to the third one, third basis, so let's move further it. so third one is classification by function. बहुत important है function, हम लोग को सब पता है function क्या क्या होता है, production करते हैं हम लोग, then administration करते हैं हम लोग, so production, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हूँ तब प्रोडक्शन करना जरूरी है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद जो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लगेगा वो वाला भी है, फिर सेल करना है मेरे को तो मेरे को मार्केटिंग करना पड़ेगा, वो सेलिंग में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मार्केटिंग तो कर लिया बट उसको तो पहचाना पड़ेगा ना फाइनल कस्टमर, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल्दो हियर इट्स मेंशन एट द लास्ट बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो इनोवेशन में रहती है हमेशा, जैसे कि फार्मा कंपनीज, दे इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। So we cannot say that it will come at the last, it comes on the beginning, and on the basis of that the product is innovated and then production is done. So let's move further to the fourth one. So let's go, it's
कॉस्ट बाय बिहेवियर से क्या समझते हैं? बिहेवियर से फिक्स हम लोग को पता है, वेरिएबल हम लोग को पता है, सेमी वेरिएबल पता है, पर चलो एक्सप्लेन करते हैं एक बार. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, दैट विल इनकर वेदर वी आर मेकिंग द प्रोडक्शन और नॉट. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग, मैंने एक फैक्ट्री खरीदा नहीं, रेंट पे लिया, एंड हैव टू पे द रेंट, ऑल दो आई प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और नॉट. जो मेरे से रेंट लेने वाला, ही इज लेस बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट वेदर आई एम प्रोड्यूसिंग इट और नॉट. आई हैव लाइक हायर्ड अ प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग माई प्रोडक्ट, इवन इफ आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग आई हैव टू पे द रेंट. तो दिस इज अ फिक्स्ड वन. मशीनरी, कुछ मशीनरीज होती है, हर मशीनरी का है, इट्स लाइक वेदर वी आर यूजिंग इट और नॉट, वी हैव टू चार्ज अ सिंपल single amount of depreciation, because you know the depreciation takes place because of the wear and tear, obsolescence, some of the reasons are there, so we have to charge depreciation whether we are producing the product, whether we are making the manufacture through that machinery or not. Variables, variable expenditures or costs are the costs jo हम लोग के यूनिट्स के साथ चेंज होते हैं. जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगी उतना ज्यादा वेरिएबल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. ठीक है, सेमी वेरिएबल, कुछ सेमी वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज अ फिक्स्ड वन. तो वेरिएबल क्या हो जाएगी आपकी, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ किसी मीडिया में, सो आई हैव टू पे दैट पर्सन अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द मीडिया और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम और द पोर्शन और द साइज और द वर्ड, जिस भी मीडिया में ले रही हूँ उस हिसाब से मेरे को कुछ सेमी वेरिएबल चार्जेस उसको पे करना पड़ता है. मतलब सम वेरिएबल पोर्शन हैव टू पे, एंड ऑन अनदर हैंड ऑल्सो फॉर कीपिंग दैट स्पेस, मेरे को हर साल अगर करना है उस जगह पे तो उसको रिजर्व रखने के लिए हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू दैट पर्सन ऑल्सो. तो वो हो गया हम लोग का सेमी वेरिएबल, जहाँ पे कुछ वेरिएबल्स एंड कुछ फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So next is your management decision making. Management decision making से क्या समझ रहे हैं हम लोग? Management जो decision लेता है उसमें कौन कौन से टोटल जो आपको कॉस्ट दिख रहा है एक प्रोडक्ट का, उसको कौन कौन से क्लासिफिकेशंस में, मतलब कौन कौन से कॉस्ट में क्लासिफाई करता है, दैट इज हियर शोन. तो मार्जिनल कॉस्ट मींस अ वेरिएबल पोर्शन. डिफरेंशियल कॉस्ट इज जब दो कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग के पास होते हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंशियल कॉस्ट देखते हैं वो लोग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. मतलब ये हम लोग को पता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है. अगर मतलब मेरे को जॉब का ऑफर मिला एंड दे आर ऑफरिंग मी 50,000 पर मंथ, एंड एट द सेम टाइम आई थॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो देयर राइट नाउ आई एम अर्निंग 1,00,000 पर मंथ. द 50,000 विच आई फेल्ड टू अर्न आज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टेड अ बिजनेस, दैट 50,000 इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट आई हैव इनकर्ड फॉर डूइंग द बिजनेस. सो 50,000 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मेरे को मिल सकता था अगर मैं बिजनेस नहीं कर रही होती तो. रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा गैजेट है या कोई भी ऐसा मशीनरी या फिर कोई भी ऐसा सामान है जो मेरे प्रोडक्शन में यूज हो रहा है पर राइट नाउ मेरे लिए उतना रेलिवेंट नहीं, आई नीड समथिंग बेटर, सो उसको रिप्लेस करना है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स इनकर करना पड़ता है, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. देन द रेलिवेंट कॉस्ट रिलेटेड टू द बिजनेस, सम ऑफ द कॉस्ट आर देयर विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस, दैट इज द रेलिवेंट वन. संक कॉस्ट क्या होता है? मतलब वो कॉस्ट जो मैंने ऑलरेडी इनकर्ड कर दिया है, लमसम अमाउंट इनकर्ड कर दिया, बट अब वो डिसीजन मेकिंग से उतना रिलेटेड नहीं. मान लो मैंने एक फैक्ट्री खरीद लिया, ठीक है, अब वो उसके लिए मैंने एज अ होल कुछ अमाउंट स्पेंड किया, अब वो मैंने खरीद लिया, वो मेरा फिक्स लैमसम हो गया, अब वो मेरे बिजनेस के डिसीजन से कोई रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो मेरा संक हो गया है. इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर और लेस सेम. नॉर्मल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर होता है. सो ये आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको नॉर्मल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, तो यू हैव टू मेक इट फॉर्म पार्ट ऑफ योर बिजनेस और प्रोडक्ट.
अब नॉर्मल कॉस्ट आप कॉस्ट का प्रोडक्ट का कॉस्ट ले नहीं सकते. इन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल, दीज आर द कॉस्ट विच विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियोज, अपकमिंग वीडियोज वेरी प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस. सो दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पे बैच कॉस्ट है, प्रोसेस कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट. बैच कॉस्ट आपको पता है, जैसे मेरे को अगर कोई खिलौना, मैं जैसे कि टॉय फैक्ट्रीज में ये बैच कॉस्ट यूज होता है. एक बार मैन्युफैक्चरिंग, एक बार प्रोसेस स्टार्ट होता है, मशीन स्टार्ट होता है, उसमें एक बार में बहुत सारे खिलौने, एक बैच में मान लो 50 खिलौने, तो 50 खिलौने बन के निकल आएंगे. दैट इज अ बैच कॉस्ट. एंड प्रोसेस कॉस्ट, जैसे अगर मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका 4-5 प्रोसेस के बाद वो फाइनल बनता है, तो दैट इज अ प्रोसेस कॉस्ट. ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट आपका यूजुअली जैसे हॉस्पिटल बिजनेस, जैसे कि आपका बस बिजनेस, ये सब बिजनेस में ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ज़्यादा यूज होता है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगर जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसमें आपका वन टाइम पेमेंट होने के बाद आप सामने वाले पर्सन को पैसा पे करोगे, वो आपका काम कंप्लीट करके फाइनल जब आपका प्रोडक्ट बना के देगा तो आपसे पैसा लेगा, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. है ज़्यादातर सर्विस बिजनेस जहाँ पे इंक्लूड होते हैं वहाँ होता है, सर्विस जहाँ इंक्लूड होते हैं. एंड देन ज्वाइंट कॉस्ट. सो ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है आपके, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस टाइम पे जॉइंट कॉस्टिंग यूज होता है. सो नाउ आई गेस इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू यू. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बाय टाइम. सो बाय टाइम में कैसे हम लोग कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया है यहाँ पे, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जैसे कि अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रही हूँ तो मैं उस मशीनरी को जिस कॉस्ट पे खरीदी हूँ उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँगी. सो दैट इज़ अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड पूरे एट द एंड, टिल द एंड ऑफ दैट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट मशीनरी, मैं उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रखूंगी अपने बैलेंस, अपने कॉस्ट शीट में, या फिर जहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड करूँ, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड देन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब कुछ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देयर, इसका कॉस्ट हम लोग बिफोर एंड डिटरमाइन कर लेते हैं, बिफोर एंड देन उसके ऊपर एक प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो दैट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है अगर मैं किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रही हूँ, किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक प्रैक्टिस है कि इस प्रोडक्ट का यही कॉस्ट है एंड मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट लगा, तो उन दोनों के बीच में जो स्टैंडर्ड है कॉस्ट का, प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है एंड मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज माय वेरिएंस. ठीक है, यहीं से आपका वेरिएंस का एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है अगर आप ये कॉस्टिंग करते हैं. एस्टिमेटेड कॉस्टिंग इज सेम, कि हम लोग खुद से ही खुद एस्टिमेट कर लेते हैं कि यहाँ से ये खर्चा लगेगा, यहाँ से खरीदूंगी तो वो खर्चा लगेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मेक द एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट. So with this word, I'm just completing the standard. This standard has been done. So I will try within 1 or 2 days, I'll just upload another standard, that is cost accounting standard 2. And thank you very much. If you like the video, please share, subscribe and give the thumbs up. And please share your comments on the comment also. And if you don't like anything, if you have some queries, please ask me the queries. Then only I'll be able to understand that whatever I have said, that is, you are getting it. So thank you very much. Bye.